उत्तराखंड के मैदानी जिलों में कोहरे के चलते शीतलहर अपने चरम पर है। वहीं इसकी वजह से यातायात के साथ ही विद्यालय जाने वाले बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त चंपावत जिले से सामने आ रही है। जी हां, मंगलवार 23 जनवरी से 3 दिन तक चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्रों के इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे के अनुसार मौसम विभाग के शीतलहर के पूर्वानुमान के चलते 23 से 25 जनवरी तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत टनकपुर बनबसा क्षेत्र के आमबाग और चंदनी संकुल के अंतर्गत आने वाले 1 से इंटरमीडिएट तक सभी शिक्षण संस्थान 23 से 25 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान शिक्षणेतर कार्यों के मद्देनजर शैक्षणिक और मिनिस्ट्रियल कर्मियों को स्कूल आना होगा। इस आदेश के बाद जिले के घाटी वाले क्षेत्रों के विद्यालय ही खुले रहेंगे। अगर बात करें चंपावत जिले के तापमान की, तो बीते 22 जनवरी का अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रहा है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।